अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कहीं का दे रखा है बेटा इतना, ठीक है। हाँ नो सही आया होगा। और मैग्नेटिक नीडल कितने लेंथ की, 0.12 की, पोल स्ट्रेंथ इतना है। तो आपको समझ में आ रहा है पोल स्ट्रेंथ और नीडल लेंथ से आप क्या निकाल सकते हैं, बताइए क्या निकालेंगे। आपको एम पोल स्ट्रेंथ दे रखी है और ये दे रखी है नीडल लेंथ, तो एम इंटू एल से आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट उस बार मैग्नेट का निकाल लेंगे। फील्ड इंटेंसिटी पता है अर्थ की, वो दे रखी है, दोनों चीजें बहुत क्लियर है। और ये दे रखा है नीडल मेक्स एन एंगल 45 विद द हॉरिजॉन्टल इन इक्विलिब्रियम, तो इससे ज्यादा क्लियर और क्या करेगा, ठीक है। आपको डिप एंगल भी दे दिया उस प्लेस का, डिप एंगल यही होता है किसी प्लेस का, एक तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट पक्का। हाँ कृष्णा बिल्कुल, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हमेशा नेट फील्ड की डायरेक्शन में रहती है, तो हॉरिजेंटल से 45 डिग्री एंगल पे रही, ठीक है। टू कीप दिस नीडल हॉरिजेंटल फाइंड आउट वर्टिकल फॉर फोर्स दैट शुड बी अप्लाइड एट वन ऑफ इट्स एंड्स, तो एक एंड पर वर्टिकल फोर्स कितना अप्लाई करना पड़ेगा इस नीडल को हॉरिजेंटल रखने के लिए, ठीक है। तो ये सिचुएशन है बेटा इनिशियली, तो ये 45 डिग्री एंगल है, ठीक है। अगर आपको हॉरिजेंटल रखना है इसको, तो नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए आप, तो मतलब आप जो एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे उसका टॉर्क एम क्रॉस बी को बैलेंस करना चाहिए, ये मतलब है क्या इसका, बोलिए। देखो ऐसे यूज करवाता है, एक क्वेश्चन था इसको बैलेंस, टॉर्क बैलेंसिंग करानी, इतने जबरदस्ती अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और ये सब यूज करा लिया आप, बताओ इतने सिंपल प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है ना। तो इसने आपने क्या करा कि यहाँ पर एम वेक्टर है, बी वेक्टर 45 डिग्री एंगल है, कॉर्नर पे कितना फोर्स लगाए, तो अभी एफ का जो टॉर्क है इसके अबाउट और एम क्रॉस बी दोनों को बैलेंस करना है आपको। इसमें किसी को डाउट हो रहा है तो बताओ, बहुत ज्यादा सिंपल प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है। क्योंकि इसने सब कुछ लिख दिया, वर्टिकल ही लगाना है फोर्स और कहाँ लगाना है, एंड पे ही लगाना है, तो इसका फोर्स क्लियर हो गया हमको, टॉर्क कितना होगा एफ इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो लेंथ 0.12 दे रखी है तो आधी कर दी, ठीक है। और इस एक्सिस के अबाउट उसका टॉर्क कितना है जो एम क्रॉस बी आएगा, एम बी साइन 45, क्योंकि आपको पता है अगर ये हॉरिजेंटल हो गई तो एम वेक्टर हॉरिजेंटल हो जाएगा, बट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजेंटल से 45 डिग्री एंगल बना रहा है, प्रीवियस इंफॉर्मेशन से क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो आपका नेट और क्या दे रखा है इसने, ये दे रखा हॉरिजेंटल कंपोनेंट दे रखा है बेटा, बी एच गिवन था, तो वहां से बी निकालना पड़ेगा आपको, बी कॉस 45 इज इक्वल टू बी एच, ठीक है। सबको क्लियर है हॉरिजेंटल वर्टिकल, अब तो डायग्राम याद हो गया होगा यार, इतनी बार बना लिया, आपको ये भी समझ में आ रहा होगा क्या चीज काम की, ये डायग्राम काम का है, ठीक है ना। सारा इसी से निकल रहा है कि ये 45 डिग्री है और ये बी एच है और ये आपका बी बी है, तो सारा यही काम का है सबसे, ठीक है। तो ये हो गया बी कॉस 45, ये हो गया बी बी आपका, ठीक है। तो आप बी कॉस 45 इज इक्वल टू बी एच रूट टू, तो यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया, तो आप सेंटर के अबाउट एम क्रॉस बी को आर परपेंडिकुलर इंटू एफ से बैलेंस कर दो, तो देखो फोर्स क्या निकल के आ रहा है आपका, 6.48 इंटू 10^-5। किसी को डाउट तो नहीं, एम कैसे लिखा, पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ, ठीक है। ये रहा 1.8 इंटू 0.12, बी आपने निकाली लिया यहाँ से, बी की वैल्यू रख दी साइन 45 1/√2, तो सिंपल दो टॉर्क बैलेंस करने थे, बट उसने कहानी किसमें ले ली कि आपको अर्थ मैग्नेटिज्म भी पता है या नहीं, तो एक आध क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर दिख जाता है, ठीक है। इस तरह का बेसिक जो इनके जो थ्री एलिमेंट्स बताए मेनली इस पर आता है, ठीक है ना। तो अब मैं कुछ इंस्ट्रूमेंट की तरफ चल रहा हूँ जो अभी तक पूछे नहीं गए, बट एससीबी ने तो दे ही रखे हैं, उसने तो एक दो और दे रखे हैं, बट सारा नहीं पढ़ रहे हैं, जो चाहे पढ़ सकता है, सब समझ में आ जाएगा पूरा एससीबी, ठीक है ना। तो ये शायद चैप्टर नंबर कौन सा होगा एससीबी का, 36, 37, दो चैप्टर में आपको पूरे करने को बोल रहा हूँ मेंस के लिए, एडवांस में कुछ नहीं आएगा इनमें से, 34 और 35 एससीवी के मेंस एडवांस सबके लिए, बट 36, 37 आप पूरा लगा सकते हो, पिछली बार तो मैंने पूरे सॉल्यूशन भेज दिए थे 36, 37 के लिए, अब कोई लगाएगा तो भेज दूंगा, ठीक है। 36 और 37 पूरे मेंस के लिए, इन्हीं टॉपिक्स के हैं, मेटेरियल और अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है ना। तो वो भी आप लगा लेंगे, कोई लगाने में ऐसी बुराई नहीं है, आराम से हो जाते हैं और क्वेश्चन मेंस में आएंगे इस तरह के, देख लो। अब आपको पता है, कॉन्फिडेंट है कि हमें अर्थ मैग्नेटिज्म भी आता है, तो 2 मिनट हो गया कुछ ये होगा, ठीक है। तो अब हम कुछ ये दो इंस्ट्रूमेंट और पढ़ लेते हैं, बहुत फेमस है इसलिए पढ़ लेते हैं, आ सकते हैं मेन्स एग्जाम, ठीक है। और कॉम्प्रिहेंशन बन के एडवांस में तो कुछ भी आ सकता है, फिर थोड़ा सा पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है, ठीक है।